पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। पूरा भारत इस बात से अवगत है, एक दिन में 54 परिवार को घर से बेघर कर दिया जाता है। और कारण इसका एक है कि ये हिंदू समाज के व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मुसर जी। जितेंद्र मुसर जी हैं। इनके घर में रातों रात इनको घर से बेदखल कर दिया जाता है, घर तोड़ दिया जाता है, 54 परिवार को घर से निकाल दिया जाता है। जो इनका पूजा स्थल था, क्या क्या था पूजा स्थल में आपका? हमारा शिवलिंग था सर, और तुलसी के पत्ता था, बेल की पेड़ था। शिवलिंग था, तुलसी का पत्ता था, बेल का पेड़ था। क्या हुआ उस शिवलिंग के साथ? उसको घन से पीटा गया। घन से पीटा यानी सावल से तोड़ दिया गया। आपके घर को तोड़ दिया गया, आप लोग सबको निकाल दिया गया, जेसीबी से बराबर करवा दिया गया। रात और रात इनके पूरे परिवार को गाड़ियों में भर करके जंगल छोड़ दिया गया। उसके बाद आप लोगों के द्वारा थाना गया, गया थाना से मदद मांगी गई। क्या बोले आप लोग थाना में जाके? थाना में बोले कि सर चलिए, हम लोग के घर हादसा हुआ है। क्या हुआ है? मारपीट हुआ है, हम लोग के घर तोड़ा गया है। कौन तोड़ा है घर आपका? मियाँ लोग। कौन, क्या नाम है मियाँ लोग का? राजन सर और मुखदार और डीलर और रसूल मियाँ, इन लोग सब मिल करके आपको आपके घर से बेघर कर दिया गया। आज वो टीम कहाँ है जो जय भीम का नारा लगाता है? भीमराव अम्बेडकर का सम्मान हम लोग उतना ही करते हैं जितने अभी अपने हम लोग अपने क्रांतिकारियों का करते हैं, उतना ही सम्मान भीमराव अम्बेडकर का हम लोग भी करते हैं। लेकिन भीम जी के साथ मीम का नाम लगाने वाले तथा कथित दोगले राजनीति करने वाले लोग आज कहाँ है? आज कहाँ है वो लोग जब जिहादी मानसिकता रखने वाले, ये मीम कहने वाले अपने हिंदू समाज के अभिन्न अंग इन मुसर जाति के लोगों को घर से निकाल दिया जाता है, 54 परिवार को। जो इनका आस्था का केंद्र है शिवलिंग, उसको तोड़ दिया जाता है। कहाँ है आज इन लोग? ये जो मोमबत्ती गैंग पूरे भारतवर्ष में लेकर के घूमते हैं, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और आप लोग धर्म छोड़ करके कोई विषय नहीं उठाते हैं। अरे सबसे बड़ा विषय हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हमारे परिवार के लोगों को उनके घर से रातों रात निकाल दिया गया, आज कहाँ है? ये झारखंड में हुआ है, झारखंड की सरकार से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कहाँ है? आप जो कहते हैं कि एसटीएससी लोग जो है जो इस झारखंड के मूल के केंद्र में रहने वाले, इस झारखंड के हृदय में बसने वाले हैं, और उस आप ही के उन्हीं जाति के लोगों को निकाल करके फेंक दिया गया केवल और केवल इसलिए कि हिंदू है। इनके आस्था के केंद्र शिवलिंग को तोड़ दिया गया, सावर से तोड़ दिया गया, तुलसी के पेड़ को उखाड़ दिया गया। कहाँ गया अभी समाज? कौन इनके साथ खड़ा है? इनको घर बना करके दोबारा कौन देगा? इनके जब पिताजी से बात हुई तो पता चला 179 साल से 5-7 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, और इसलिए इनको निकाला गया क्योंकि तथा कथित जिहादी मानसिकता वाले उन मीम वाले लोगों को यह कहना उनका कि यह मदरसा की जमीन है। 179 साल पहले तुम्हारा बाप वहां पर जमीन देकर के गया था। इन लोगों को इनका जमीन से हटा दिया गया। आज खाने के लिए इन लोगों पास राशन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, थाना के शरण में बैठे हुए हैं। इनका साथ देने कौन आएगा? मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष से कि इनके योजनाओं इनके षड्यंत्र को समझिए कि जो आपके साथ खड़ा होकर के आपको हिंदू धर्म से अलग बताते हैं, जय भीम का नारा लगा करके हमसे तोड़ने का काम करते हैं। उसी स्थान पे जब आपकी संख्या बढ़ जाती है, इन मीमों की संख्या बढ़ जाती है, तो केवल और केवल हिंदू के नाते आपको देखते हैं और आपको घर से उजाड़ दिया जाता है। आपकी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती। आप इनसे पूछिए, ये खुद बता रहे हैं कि इनकी पत्नी को, इनके छोटे छोटे बच्चों को, इनकी भतीजी को उठा करके गाड़ियों भर करके रात को जंगल में फेंक करके आए थे, और इन लोगों को बंदिश बना के रखे थे। कितने लोगों को बंदिश बना के रखे थे? 6-7 आदमियों को बंदिश बना करके रखे थे। गर्जियों ने गर्जियों के आज इन लोग कहाँ जाएंगे? इनके आस्था का केंद्र टूट चुका है, इनका घर टूट चुका है, कहाँ जाएंगे? किसके सामने भीख मांगेंगे? ये हमारे देश के अभिन्न अंग है, हमारे देश को मजबूत करने वाले देश के भविष्य हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये महिलाओं को देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियों को देखिए, ये आने वाली पीटी उषा हो सकती थी, ये आने वाले जो है हमारे देश के भविष्य हो सकते थे, या सेना में जा सकते थे, ये डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन इन लोगों को क्या बना के रख दिया है? इन लोगों को शोषण कर लिया गया। आज ये बूढ़ा आदमी जो रो रहा है, ये इसका रोने का कारण ये है कि ये समाज के साथ जो है कदम से कदम मिला करके नहीं चल पा रहा है।
किनको क्योंकि इनको इन जहादी मानसिकता वाले मीमो ने घर से निकाल दिया है। ये छोटे बच्चे का यह क्या भविष्य जाएगा इसका, ये बच्चा क्या भविष्य होगा जिसको दो टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है। इसकी जो माँ है इसके जब अनाज खाएगी तब जाकर के इनके छाती में दूध आएगा तो अपने बच्चों को पाल पाएंगी। इनके छाती इनके पेट में अनाज जाने के लिए इनके पास साधन नहीं है। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार अपने स्तर पे त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जमीन और घर बना करके नहीं वापस करती है तो आने वाले समय में ये आग पांडू क्षेत्र से उठ करके पांडू थाना क्षेत्र से उठ करके पूरे भारतवर्ष में आंदोलन का रूप लेगा, चरणबद्ध आंदोलन चलेगा जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता। मैं आप सभी भारतवर्ष के सभी वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, हमारी समस्याओं को समझिए, इनके साथ खड़ा होइए। जय सर, ओके, जय सिया राम, भारत माता की जय, जय भीम।